Hello dear students, now in this video we will learn application of linear equations in business and economics. सबसे पहला क्वेश्चन है, a market demand curve is given by D is equal to 36 minus 3P. Find value of D if P is equal to 10. तो कैसे करना है, आपने D की वैल्यू निकालनी है, कैपिटल D की, स्मॉल P आपको 10 दिया हुआ है, तो वेरी इजी, यहाँ पे आप P की वैल्यू 10 डाल दीजिए तो ये आपका आंसर आ जाएगा. ओके, सिमिलरली यू कैन डू सेकंड पार्ट. डिमांड कर्व इज गिवन टू यू, पुट वैल्यू ऑफ P इज हियर, पुट वैल्यू ऑफ कैपिटल D इज 10, सो 10 इज इक्वल टू 40 माइनस 5P. यहाँ से आप रीशफल करके P की वैल्यू निकाल लोगे, ये 5P उधर चला गया, 40 में से 10 गया, 30 आ गया. अगला क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ टू नंबर्स एक्सीड थ्राइस द स्मॉलर बाय 3 इफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 5. हमें दो नंबर्स का डिफरेंस 5 दिया गया है, तो मान लीजिए वन नंबर x है, अदर नंबर इज x प्लस 5, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 5 है, तो लेट अस टेक दीज नंबर्स. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सम ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबरों का सम करना है, एक्सीड्स द थ्राइस द स्मॉलर, जो दोनों नंबर्स का सम है वो जो स्मॉलर नंबर है उसका 3 टाइम्स करके उससे ज्यादा है. एक्सीड्स का मतलब है ज्यादा है, बाय 3. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सम ऑफ टू नंबर्स एक्सीड्स थ्राइस द स्मॉलर नंबर बाय 3. आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो दो नंबर्स का सम है वो थ्राइस ऑफ स्मॉलर नंबर प्लस 3. यहां से सॉल्व करके आपका x निकल जाएगा, ये हो गया 2x, 5, 3x प्लस 3, यहां से आपके पास x आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन परचेज टू प्लॉट्स 2 लाख, ही सेल वन एट अ गेन अदर एट अ लॉस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच प्लॉट. दो प्लॉट्स उसने खरीदे हैं, दोनों की जो कॉस्ट है वो 2 लाख है. मान लीजिए एक की कॉस्ट x है तो दूसरे की कितनी होगी, 2 लाख माइनस x. जैसे मान लो आपके पास 200 रुपीज है, तो आपने दो चीजें लेनी है, तो अगर एक चीज 50 की है दूसरी कितने की होगी, 200 माइनस 50. तो वैसे ही किया गया, अगर एक प्लॉट x रुपीज का है तो दूसरा इतने का है. अब हमें उस पर गेन और लॉस निकालना है. तो आपको पता है सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए उसका पहले गेन निकालना पड़ेगा, फिर टोटल सेलिंग प्राइस करके फिर आपका ये क्वेश्चन का आंसर निकलेगा. तो ये नोट कर लीजिए क्वेश्चन कैसे करना है. यहाँ पे हमें देखो, पहले पे हमें उसने गेन दिया है, ठीक है, तो आप जो गेन है वो है 10% ऑफ एक्स, तो वो हो गया 10/100x. इसको आप एक्स में ऐड कर दो, क्योंकि उसका जो सीपी था, तो ये अब मैं निकाल रहा हूँ एसपी, सीपी एक्स था, ये 10x/100, तो ये एसपी ऑफ फर्स्ट प्लॉट आ गया. अब जो सेकंड प्लॉट है उसके ऊपर आपको लॉस हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, 5%. तो 5% ऑफ 20 5 जीरोस लगानी है अपॉन 100, ये आपका हो जाएगा 1/100. इसको ऐसे लिखा रहने दो, जो आपका एसपी है, ठीक है, इसको उसमें से माइनस कर दो, 20 माइनस x माइनस दिस लॉस 5/100, यही चीज दोबारा लिख लीजिए. तो जब ये कॉमन आ जाएगा तो वो बन जाएगा 1 माइनस 5/100, वो आपका ऐसे बन के आ जाएगा 95/100, ठीक है जी. दोनों को प्लस कर दो, वो हमारा बन जाएगा टोटल सेलिंग प्राइस. अब जो टोटल हमारा उसने हमें यहाँ पे बोला है, टोटल हमें 1% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट में टोटल इनकम कितनी थी, 2 लाख, उस पर 1% का प्रॉफिट निकाला, 2000 निकाला. तो फार्मूला क्या होता है, टोटल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. जैसे सिंपल लिख सकते हो, प्रॉफिट का फार्मूला है एसपी माइनस सीपी. तो टोटल एसपी आपका ये हो गया, टोटल सीपी आपका 2 लाख है, प्रॉफिट आपका 2000 है. सारी वैल्यूज पुट करके, टोटल सेलिंग प्राइस का मतलब दोनों का प्लस करके, ये जो आया हुआ है टोटल कॉस्ट हमारी 2 लाख है, प्रॉफिट मेरा 2000 है, ठीक है जी. सारे को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे से कट जाएगा, यहाँ पे 0 0 और बढ़ जाएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पे 95x आ जाएगा, इसको इसमें से माइनस किया 15x आ गया, यहाँ से आपके पास x आ गया. x क्या था, पहले प्लाट की कॉस्ट, और दूसरे प्लाट की कॉस्ट क्या आएगी, 2 लाख
-80,000, 120,000. Thank you very much.